सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो भाई आज है जैसे संडे का दिन, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, और बाहर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? तो वैसे तो आज संडे है, हम जा रहे हैं फर्नीचर देखने के लिए, न्यू फर्नीचर, क्योंकि पुराने में बहुत हो गया गुजारा, अब लेना है नया। तो बस आज तो सिर्फ देखने जा रहे हैं, क्योंकि लेना तो अभी नहीं है, लेना तो मुझे रमजान तक है, क्योंकि ना ईद पे मुझे न्यू चीजें और न्यू चीजें चाहिए। तो ईद पे मुझे न्यू चीजें चाहिए होती है और न्यू कमरा चाहिए होता है, तो इसीलिए आज हम देखने जा रहे हैं। तो भाई आज तो संडे है, क्या पता मार्केट बंद हो, मे भी पॉसिबल है कि कोई कोई खुली भी हो। तो अब मुझे लेना है न्यू तुर्किश फर्नीचर, तो भाई मेरा शौक है। काफी लोग तो कहते हैं कि पैसे वेस्ट करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है, कहने का हक तो वो रखता है जो पैसे कमा के लाता है। खैर बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, वो नहीं कहते तो कोई मसला नहीं। तो अभी चले, तो अब चलते हैं, बाकी की बातें रास्ते में। लोकल मार्केट और अच्छा नहीं लग रहा है तो हम जाएंगे ब्रांड में, हैबिट, हैबिट के बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़ा ब्रांड फर्नीचर था ना जो हैबिट का था। तो अब चले, तो चले चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ।
हाँ तो भाई घर पे आ चुके हैं। एक तो घर पे आ जाओ तो मनु स्लाइड नहीं होती। तो लाइट के लिए 3 घंटे पूरे वेट करना पड़ता है। 3 घंटे से बैठे हैं व्लॉग बनाने के लिए, इसीलिए तो मेरा दिल नहीं करता कि बनाऊँ। तो आज गए थे फर्नीचर मार्केट, तो आज संडे था, कुछ कुछ शॉप्स खुली थी, कुछ बंद थी। तो अलबत्ता फिर भी हमने देखा है और अभी तक पसंद नहीं आया, क्योंकि ना एक ही झटके में चीज़ पसंद आ जाए मेरे हस्बैंड को ये हो नहीं सकता वो। तो वैसे फिलहाल मुझे अभी तो लेना भी नहीं है, रमज़ान में लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो देखा यार जो चाहिए था देखा, तो अब ये पूरी मार्केट जाएंगे देखेंगे। और उसके बाद हम लोग गए थे हैबिट में, वहाँ फर्नीचर देखा, लेकिन वहाँ की तो बात ही अलग है, एक से एक थे। लेकिन ऑफ के बाद सेल लगी हुई थी, तो ऑफ के बाद भी जो है ना 2.5 लाख का एक बेड है, जैसे 2 लाख की ड्रेसिंग है, 3 लाख के सोफा सेट है, टेबल है, पता नहीं क्या क्या, इतनी ज्यादा महंगी चीजें हैं। फर्नीचर की तो बात ही अलग है। और फिर वहां से मैंने कहा गए तो भाई खाली हाथ कैसे आते, तो मैंने एक स्कार्फ लिया है। मैं ड्रामा देखा करती थी, मन्नत मुराद वाला ड्रामा देखा करती थी, नाम है ड्रामे का मन्नत और मुराद। तो उसमें ये स्कार्फ सीधा जाओ तो रिंग्स, तो उसमें ना स्कार्फ पहना होता था बहुत ज्यादा इन है। सीधा जा रहे हैं देख लेंगे, तो उसमें देखा था ट्रेंड में चल रहा है ये स्कार्फ, और मैंने इसे काफी ज्यादा ढूंढा था, मुझे कहीं भी नहीं मिला था। तो आज हम लोग गए थे तो वहां पे देखा मैंने ये देखा, तो इसमें मुझे कलर तो दूसरा चाहिए था, लेकिन ये लास्ट पीस था, लास्ट कलर था, तो मजबूरन मुझे यही लेना पड़ा। ये दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी 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 हाँ तो भाई कैसा लग रहा है, और जब मैं पहनू तब पढ़ के दिखाना मुझे, ठीक है ना। हाँ तो अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इन है, चल रहा है आजकल। स्कार्फ भी था आइडियल का है, आइडियल कलेक्शन का है, तो स्कार्फ भी था और दुपट्टे भी थे। तो दुपट्टा तो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए मैंने लिया नहीं, तो मैंने स्कार्फ ले लिया। तो क्या लिखा हुआ है कोई मुझे पढ़ के और एक लाइन कमेंट्स में लिख के, चलो एक नहीं आधी लाइन भी मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरा व्लॉग कितना शौक से और लगाव से देखते हो। तो ठीक है, तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। फर्नीचर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके अल्लाह।